Hello and welcome students in my YouTube channel. In this video we are going to discuss about your classroom study material that is important for your examination. First topic is the national park. There are areas strictly reserved for the conservation of wildlife included flora and fauna. Here any activity for forestry, grazing or cultivation is not permitted. Okay? तो नेशनल पार्क क्या होता है? नेशनल पार्क में वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट करने के लिए अनाउंसमेंट होता है, ठीक है। कुछ मान लीजिए एक फॉरेस्ट है तो उसका सर गवर्नमेंट जो है उसका एरिया डिसाइड कर देती है कि इतने एरिया में किसी भी प्रकार की ना ही ग्रेजिंग होती है, ग्रेजिंग का मतलब होता है चारागाह, है ना, और ना ही कल्टीवेशन की जा सकती है और ना ही किसी भी प्रकार की फॉरेस्ट्री रिसर्च की जा सकती है, ठीक है। और वहाँ यहाँ पर ध्यान रखना है वाइल्ड लाइफ के लिए। अब इसमें फ्लोरा और फ्यूना दो चीज़ें शामिल होती हैं। फ्लोरा का मतलब होता है वनस्पति और फ्यूना का मतलब क्या होता है? जीव। ओके, तो यहाँ पर नेशनल पार्क में जीव के लिए भी और वनस्पतियों के लिए भी इसको रिजर्व किया जाता है और किसी भी प्रकार की एक्टिविटी को अलाउ नहीं किया जाता है। इसी प्रकार से वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज में क्या होता है? अ सेंचुरीज गिव प्रोटेक्शन फॉर फ्यूना ओनली, है ना। अभी आपने नेशनल पार्क में देखा फ्लोरा और फ्यूना दोनों के लिए यहाँ पर प्रोटेक्शन है, लेकिन यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ फ्यूना के लिए, फ्यूना मतलब जीव के लिए। अच्छा, अब जीव है तो गवर्नमेंट उसको अलाउ करेगी कि यहाँ पर कोई जीव मार नहीं सकता और ना ही जीव को पकड़ सकता है ना। तो दो चीज़ें हो गई यहाँ पर जो है, नेशनल पार्क में फ्लोरा फ्यूना दोनों हैं और वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज में सिर्फ और सिर्फ फ्यूना है, जीव है, है ना, यानी कि एनिमल्स है और ये प्रोहिबिटेड है, किसी भी प्रकार की आप वहाँ पर गतिविधि को बैन किया गया है। तीसरा देखते हैं फॉरेस्ट से रिलेटेड है। फॉरेस्ट इज मेंटेनिंग अ बैलेंस ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। तो आप जानते हैं कि फॉरेस्ट इम्पॉर्टेंट होते हैं और वही रेनफॉल स्टार्ट करवाते हैं और वही ऑक्सीजन हमको देते हैं और वही जो है कार्बन डाइऑक्साइड को सक करते हैं। नेशनल पार्क आर क्रिएटेड टू कंजर्व वाइल्ड लाइफ, तो ये तो सो सिंपल है, नेशनल पार्क वाइल्ड लाइफ के लिए ही क्रिएट किए जाते हैं। नेक्स्ट देखते हैं कि न्यूक्लियर पावर, ये न्यूक्लियर पावर क्या होता है, है ना। तो न्यूक्लियर पावर से ही हमारे यहाँ एनर्जी का यूज होता है और लगभग पूरी दुनिया में होता है। न्यूक्लियर पावर के लिए दो चीज़ें ज़रूरी होती हैं, दो पदार्थ होते हैं, मटेरियल एक होता है यूरेनियम और एक होता है थोरियम, है ना। और ये फिर आगे लिखा है कि न्यूक्लियर मटेरियल इज़ नॉट ओनली इजली अवेलेबल, इट इज़ बीइंग यूज एट लिमिटेड प्लेस इन द वर्ल्ड। USA एंड यूरोप आर लीडिंग इन न्यूक्लियर पावर जनरेशन, है ना। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि अगर क्वेश्चन पूछा जाता है कि यूरेनियम और थोरियम ये क्या है, तो ये न्यूक्लियर पावर के को प्रोड्यूस करने वाले मटेरियल हैं। दुनिया में हर जगह ये नहीं मिलते हैं, कुछ ही जगहों पर मिलते हैं, USA के कुछ पार्ट में मिलते हैं। अब देखते हैं क्या इंडिया में न्यूक्लियर पावर है, ऐसा सेंटर कोई है कि नहीं है, तो बिल्कुल है। महाराष्ट्र के तारापुर में है, राणा प्रताप सागर कोटा में है, ये कोटा राजस्थान में पड़ता है। उत्तर प्रदेश के नरोरा में न्यूक्लियर पावर सेंटर है और तमिलनाडु के कल्पक्कम में है और कर्नाटक में कैगा पड़ता है, के फार कैगा, ठीक है। अगला इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो है वो है आपका शिफ्टिंग कल्टीवेशन को लेकर के। शिफ्टिंग कल्टीवेशन क्या होती है? इसको बर्निंग एंड स्लैश एग्रीकल्चर बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि आप देखेंगे यहाँ पर जंगलों को पहले काटा जाता है, उसके बाद में जब वो सूख जाते हैं तो जला दिया जाता है, फिर वहाँ पर खेती की जाती है, ठीक है। इसी को शिफ्टिंग कल्टीवेशन बोलते हैं। शिफ्टिंग इसलिए बोलते हैं कि जब तक जैसे मान लीजिए यहाँ पर फॉरेस्ट था, इसको इन्होंने जला दिया, अब इस जगह पर वो खेती अपना कर रहे हैं, लेकिन एक समय के बाद में वहाँ पर यहाँ की प्रोडक्टिविटी ख़त्म हो जाती है तो वो दूसरी जगह पर जाते हैं और वहाँ पर फॉरेस्ट को काटते हैं, तब वहाँ पर अपना एग्रीकल्चर शुरू करते हैं। तो एक प्रकार से नहीं हो गया शिफ्ट, शिफ्ट का मतलब इधर से उधर, है ना। अब शिफ्टिंग कल्टीवेशन को देश के पूरी दुनिया में अलग अलग नामों से जाना जाता है। जैसे अपने भारत के नॉर्थ ईस्ट में, पूर्वोत्तर भारत में इसको झूमिंग कृषि बोलते हैं। पूर्वोत्तर भारत का मतलब है असम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, ये वाले हिस्से, है ना। मैक्सिको में मिल्का बोलते हैं, मेघालय में लदांग बोलते हैं और ब्राज़ील में इसको रोका बोलते हैं, ठीक है। आपने गाना सुना होगा ना, किसी ने ना रोका किसी ने ना टोका, तो ब्राज़ील में इसको क्या बोलते हैं? रोका बोलते हैं। अगला देखते हैं कि पेरेंट्स रॉक क्या होता है? क्लाइमेट, टोपोग्राफी, ऑर्गेनिक मटेरियल, टाइम टेकन इज द मोस्ट फैक्टर इन द सॉयल फॉर्मेशन, बट कलर, टेक्सचर एंड मिनरल कंटेंट्स ऑफ द सॉयल डिपेंड अपॉन द पेरेंट्स। तो मिट्टी का कलर, टेक्सचर, ये सब किस पर डिपेंड करता है? जो पेरेंट्स रॉक होती है ना, जैसे मिट्टी जब भी बनती है तो वो किसी न किसी रॉक के टूटने के बाद में बनती है,
तो जिस प्रकार से रॉक होगी उसी प्रकार से मिट्टी होगी। ठीक है, अगला देखते हैं प्राइमरी सेक्टर। प्राइमरी सेक्टर क्या है? आल्सो नोन एज द एक्सट्रैक्टिव सेक्टर, है ना। प्राइमरी सेक्टर को क्या बोलते हैं? एक्सट्रैक्टिव सेक्टर बोलते हैं। आगे देखते हैं, दीज सेक्टर इंक्लूड एग्रीकल्चर एंड माइनिंग वेयर इकोनॉमिक गुड आर एक्सट्रैक्ट फ्रॉम नेचर फॉर यूज बाई ह्यूमन। फॉर एग्जाम्पल, ग्रोविंग क्रॉप्स, प्लांटेशन, एक्सट्रैक्टिंग कोल, आयरन और एंड माइंस, है ना। तो ये जितनी भी चीज़ें ज़मीन से जुड़ी होती हैं, जैसे आप खेती कहाँ करते हैं? ज़मीन पे करते हैं। प्लांटेशन कहाँ करते हैं? ज़मीन पे करते हैं। कोल माइनिंग कहाँ करते हैं? कोयले की खदानें कहाँ पर होती? ज़मीन में ही होती हैं, है ना। इसी प्रकार से आप देखेंगे तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये क्या हैं? सॉरी, ये आयरन नहीं है। इसी को क्या बोलते हैं? इसको प्राइमरी सेक्टर बोलते हैं, है ना। और सेकेंडरी सेक्टर क्या बोलते हैं? चलिए देखते हैं। प्राइमरी सेक्टर पर ही डिपेंड होता है सेकेंडरी सेक्टर, इसको प्राथमिक क्षेत्र और द्वितीय क्षेत्र बोलते हैं। आल्सो नोन एज द मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। अब देखिए, प्राइमरी सेक्टर को क्या बोला गया था? एक्सट्रैक्टिव सेक्टर, एक्सट्रैक्टिव सेक्टर। सेकेंडरी सेक्टर को मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर बोला जा रहा है। क्यों? क्योंकि जैसे मान लीजिए आपने ब्रेड की इंडस्ट्री लगाई, तो ब्रेड बनाने के लिए आपको गेहूँ चाहिए, है ना। तो गेहूँ क्या हो गया? गेहूँ की खेती हो रही, प्राइमरी सेक्टर हो गया, है ना। लेकिन गेहूँ की खेती पर ब्रेड की इंडस्ट्री डिपेंड है, तो ये क्या हो गया? सेकेंडरी सेक्टर हो गया। ठीक है, आगे लिखा है कि दिस सेक्टर कवर ऑल मैन्युफैक्चरिंग, रिफिंग, रिफाइनिंग, इंप्रूविंग एक्टिविटी, मोस्ट गुड एक्सट्रैक्ट फॉर नेचुरल नेचर हैव अंडर वो सर्टेन प्रोसेसिंग। अब यहाँ पर देखिए, प्रोसेसिंग जो ये है, प्रोसेसिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सेकेंडरी सेक्टर में खास तौर पर क्या होता है? प्रोसेसिंग होता है। जैसे मान लीजिए अगर आप वीट से आप ब्रेड बना रहे हैं, तो आप क्या करें? एक प्रकार से वीट को प्रोसेस कर रहे हैं ना, गेहूं को प्रोसेस कर रहे हैं, एक नए फार्मेट में ढाल रहे हैं। बिस्किट अगर बना रहे हैं तो गेहूं से बिस्किट बना रहे हैं, एक नए फार्मेट में ढाल रहे हैं। तो ये इसी को प्रोसेसिंग बोलते हैं ज्योग्राफी की लैंग्वेज में। ओके, तो ये आपका सेकेंडरी सेक्टर है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट आपका है जूट, है ना। यहाँ पर लिखा है फाइबर क्रॉप्स। ओके, तो फाइबर क्रॉप्स क्या क्या चीज़ें हैं देखते हैं। फाइबर क्रॉप्स का मतलब ये होता है जो रेशेदार चीज़ें होती हैं उनको फाइबर क्रॉप्स बोलते हैं। जूट इज आल्सो नोन एज द गोल्डन फाइबर ऑन अकाउंट ऑफ इट्स कलर हाई वैल्यू। ओके, तो जूट को जो है गोल्डन फाइबर भी बोलते हैं, और इसके लिए एलुवियल सॉइल, जलोढ़ मृदा की आवश्यकता होती है, स्टेंट वाटर और जो है क्या कहते हैं पानी की आवश्यकता होती है। द मोस्ट सूटेबल क्लाइमेट फॉर ग्रोविंग जूट इज वार्म एंड वेट, है ना। तो वार्म और वेट क्लाइमेट की यहाँ पर आवश्यकता होती है, नीडेड होती है। आफ्टर डेट बांग्लादेश इज द लीडिंग प्रोड्यूस ऑफ जूट इन द वर्ल्ड फॉलोड बाई इंडिया। इंडिया इज मेनली ग्रोन द वेस्ट बंगाल। तो यहाँ पर ये बताया गया है कि बांग्लादेश में जो है सबसे ज़्यादा जूट की खेती होती है, और उसके बाद में अपने यहाँ पश्चिम बंगाल में होती है। ठीक है, तीन बातें हैं, जूट को गोल्डन फाइबर बोलते हैं, जूट जो है एल्यूवियल सॉइल में अच्छी तरीके से होती है, और प्लस जो है इसके लिए कैसा टेम्परेचर होना चाहिए, वार्म और वेट होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं,